સાબરકાંઠામાં થયેલી દુષ્કર્મની ઘટનાના પડકારો ગુજરાતમાં પડ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતીય લોકો પર અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી દળના કારણે પરપ્રાંતીય લોકો હિજરત કરી ગુજરાત છોડીને જઈ રહ્યા છે. ત્યારે અખિલ ભારતીય હિન્દી ભાષી ઉત્પાદન સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદયવીરસિંહ ભદૌરિયા દ્વારા શાંતિની અપીલ કરવામાં આવી હતી. કોઈ હમારે ઇસ તરહ સે લોગ હિજરત કરતે રહે તો હમ ભી ગાંધી જી કે માર્ગે હમ ભી આંદોલન કરેંગે. હમકો કિસી સે સંઘર્ષ નહીં નિકલના હૈ, આંદોલન બેઠેંગે, રિક્વેસ્ટ કરેંગે, દિલ્હી જાયેંગે, યહાં સીએમ સે મિલેંગે. હમને સોમવાર કો કલેક્ટર કો ઓર ઉનકા ટાઈમ લિયા હૈ, સોમવાર કો હમ અપના આવેદન પત્ર દેંગે કલેક્ટર કો, કમિશનર કો મિલેંગે. જો લોગ હિજરત કર રહે હૈ ઉનકો રોકો આપ, उनको उनकी व्यवस्था करो, आश्वासन दो. इसी तरह से कि जैसे वहाँ इंडस्ट्रीज गुजराती लोग चला रहे तो उनका वो लोग विरोध करने लगे. अगर ऐसा बिखवाद सब जगह होगा एक दूसरी की तरह से तो मतलब विभिन्न रीत से सब जगह चलेगा. ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर गुजराती गुजरात में रह रहे हैं, पर प्रांत में सब जगह रहे तो एक दूसरे का आंदोलन चलेगा, उससे तो देश के टुकड़े होंगे. गांधी चिंदे मार के आंदोलन पक्का करेंगे. नहीं अहिंसक, हिंसक नहीं करेंगे, अहिंसक आंदोलन. प्रोजेम ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको देता हूं. आज से नवरात्रि बैठी है, उसकी सबको शुभकामनाएं देता हूं. पूरा परिवार सुख शांति समृद्धि प्रदान करे ऐसी माता जी से प्रार्थना करता हूं. उसके बाद ऐसा है कि जब से हिम्मतनगर में बच्ची के साथ जो रेप का कांड बना है उसके बाद हम लोग भी उसकी निंदा करते हैं. पर प्रांतीय समाज जो भी है हिंदी भाषी वो सभी उस कार्य की निंदा करते हैं और ऐसी अपील करते हैं सरकार से कि उसको चौराहे पे बुला के फांसी की सजा दी जाए जल्दी से जल्दी. ये हमारी सरकार से और कानूनी तरीके से मांग भी है. लेकिन जिस तरह से वो कांड होने के बाद और जगह जगह पे छोटे मोटे प्रकरण बने और उसमें हिंदी भाषी हिजरत करना शुरू किया तो मैं आपके माध्यम से शांति की अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिंदी भाषी यहाँ गुजरात में रह के दूध और शक्कर की तरह मिल गए हैं और उनको उस तरह से भगा रहे हैं, अगर जगह जगह से भाग जाएंगे तो परिस्थिति क्या आके खड़ी रहेगी. गुजरात किसी एक का तो है नहीं, समस्त समाज का है, हर कास्ट के लोगों का है. तो मेरा ऐसा कहना है कि भाई हम सब समाज वाले मिलके, जैसे अभी ट्रेनों में बस के ऊपर 50-50, 100-100 आदमी इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो उनको रोकने की आपके माध्यम से हम लोग आज सुबह में भिंडों की बसें जाती हैं उसमें 200-200 आदमी जा रहे हैं. एक आदमी का 400 का टिकट 1200 रुपये बेचारे शोषण हो रहा है और वो मजबूर में कितना भी रोको मानते नहीं हैं, जा रहे हैं, उनका इतना भय बैठ गया है. जो समाज आंदोलन कर रहा है उस समाज से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह से लोगों के साथ निर्दोष लोगों का शोषण नहीं किया जाए और हमको सरकार की तरफ से सब आश्वासन मिल रहा है, फिर भी लोग भयभीत हैं और अपनी रोजी रोटी छोड़ के जा रहे हैं. मैं ऐसा कहना चाहता हूँ अगर हिंदी भाषी लोग गलती होते तो बिहार के अंदर महाराज घनश्याम जी आके छपैया से और उन्होंने यहाँ स्वामीनारायण धर्म की स्थापना की और आज वो धर्म 80% लोग इसको मान रहे हैं. भगवान कृष्ण मथुरा से आके द्वारिका में बसे तो क्या परप्रांति हो गए? भगवान राम ने अयोध्या में रह के रामराज्य स्थापित की और वही रामराज्य को लेके आज अपने प्राइम मिनिस्टर जी मोदी साहब यहाँ से जाके और बनारस में इलेक्शन लड़ के आज प्राइम मिनिस्टर हैं. ये छोटा छोटा बिखवाद ऐसा हो गया है आज के युग में, दो दिन से यूपी एमपी और राजस्थान में शुरू हो गया. वहाँ लोग विरोधाभास आके जो पेपर डालने लगे वो अच्छी बात नहीं है. आज डेप्यूटी सीएम के यहाँ शायद लेटर दिया है ठाकुर समाज के सेना ने कि जो डोमिसन इनको बना के देते हैं वो नहीं दिया जाए. डोमिसाइड सर्टी वो कोई भी हिंदी भाषी को नहीं दिया है. तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी एक समाज की सरकार नहीं होनी चाहिए. सरकार सबकी है, पुलिस हमको फुल मदद कर रही है, लेकिन
हम हमारे समाज के लोगों से कहते हैं आप दिशा बदलो, दशा मत बदलो। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन का अपने को विरोध मत करो, अपना जो रोजी रोटी है शांति से नज़दीक के पुलिस स्टेशन में, अगर आपको कोई परेशान करता है नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करिए। हमारे जैसे लोग संस्था चलाते हैं उसमें हम नंबर दिए हुए हैं, वो संस्था से कॉन्टेक्ट करो। जैसे अभी हमने हमारी संस्था में लोगों को बाहर से जो रोजी रोटी खो के बैठे हैं और भयभीत हो गए, उनको यहाँ बुलाते हैं, नौकरी दिन में चले जाते हैं, रात को यहाँ रुकते हैं वो लोग, उनका खाना पीना रहने की सब व्यवस्था हमने कर रखी है ऊपर के अंदर। अभी 20-25 लोग जैसे आते हैं, धीमे धीमे संख्या जैसे लोगों को मालूम पड़ेगी वैसे बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल से ऐसा है आज की तारीख में, कल मैं रेलवे स्टेशन गया था, कम से कम ये तो 4,000 लोग हों कल की ट्रेन में, आगरा वाली में खाली ट्रेन में। भिंड की बस रोज की यहाँ की 12 जाती है, कम से कम 150-200 आदमी जा रहा है डेली। 400 रुपये टिकट का 1200 रुपये कराए, फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं, खड़े होकर जा रहे हैं बेचारे। मैं आपसे निवेदन, प्रशासन से और आपसे दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आदमी 78% सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोनस देने का नक्की किया, तो मजदूर को कम से कम 8% तो बोनस मिलती है। हर आदमी दीपावली के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा काम करने वाला कलर वाला है, साग भाजी वाला है, पकौड़ी वाला है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। 10 तारीख को तो पगार भी नहीं होती है साहब। मैं सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख को फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर पगार भी नहीं होती है, बोनस तो अभी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। गांव जाएगा तो यहाँ 2 पैसा लेके जाएगा, तो वहाँ गांव जाएगा, पैसा ही नहीं होगा तो गांव में क्या जाएगा। अभी कोई पेमेंट ही नहीं दे रहा है, पगार लिए भी गए, लोगों की पगार भी यहीं रह गई है, इतने भयभीत हो गए। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो जिम्मेदार किसको मानता हूँ, जो जिम्मेदार तो सरकार है, और कौन जिम्मेदार होगी? ये सरकार की जिम्मेदारी है, जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है।